देश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को देश भर में 18,930 मामले सामने आए हैं। ये संख्या बुधवार के मुकाबले 2,771 ज्यादा है। एक दिन पहले 16,159 मामले सामने आए थे। वहीं देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भी उछाल हुआ है। कोरोना से देश में 35 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक दिन पहले 28 लोगों की कोरोना ने जान ले ली थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 119,457 पहुंच गई है। एक दिन पहले तक देश भर में 115,212 सक्रिय मामले थे। वहीं 24 घंटे के अंदर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 14,650 है। आए दिन घर बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। बुधवार को देश में 16,159 कोरोना संक्रमित मिले थे। वहीं मंगलवार को 13,085 नए संक्रमित मिले थे, जबकि सोमवार को 16,135, रविवार को 16,103 और शनिवार को 17,092 और शुक्रवार को 17,070 संक्रमित मिले थे। वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो देश में अब तक वैक्सीन की 198,33,18,772 खुराक लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते दिन 11,44,489 खुराक लगाई गई हैं। देश में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को और वयस्कों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।